नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपको अपना अमर भारद्वाज। आज के इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं 2023 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की डार्क सीरीज़ का गन मेटल ग्रे कलर। दो कलर ऑप्शन के साथ में आपको ये बाइक मिल जाती है। बाकी अगर आप क्लासिक 350 के अंदर कोई भी बाइक परचेज करते हो तो आपको उस बाइक के अंदर अलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। ये एक इकलौती बाइक है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी के टाइम पे गन मेटल ग्रे कलर के अंदर आपको 2023 में एक नया अपडेट देखने को मिल जाता है। आप 2023 में आप इस बाइक को E20 पेट्रोल से भी चला सकते हो, तो ये बड़ा अपडेट आपको 2023 में इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2023 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, इस बाइक का माइलेज, फीचर्स एंड टॉप स्पीड के बारे में। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। ये बाइक आपको ड्यूएल चैनल ABS के साथ में मिल जाती है। इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करो तो 2,62,000 रुपए की आपको बाइक ऑन रोड मिलने वाली है जयपुर सिटी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल। तो फ्रंट में आपको इस बाइक के अंदर नॉर्मल से मिरर देखने को मिलते हैं। इसके फ्रंट में आपको यहाँ पे पार्किंग लाइट मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में हेलोजन हेडलाइट का सेटअप देखने को मिलता है। जैसे ही आप इस बाइक के इंजन को स्टार्ट करते हो तो फ्रंट में आपको जो हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है ऑन हो जाती है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको इस बाइक का फ्रंट से मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। इस बाइक के अंदर आपको हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप इस बाइक के चार इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हो। इस बाइक के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 41mm फोर्क 130mm ट्रेबल स्टील मेटल बॉडी के साथ में आपको इस बाइक का फेंडर मिल जाता है। इसके फ्रंट में आपको साइड में दोनों तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। 300mm की डिस्क आपको इस बाइक के अंदर मिलती है। यहाँ पे आपको बाइब्री के कैलिबर मिल जाते हैं। इस बाइक के फ्रंट में टायर साइज की बात करते तो 119/19 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के अलॉय के ऊपर आपको यहाँ पे ब्लू कलर के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल की। तो साइड में आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि आपको 3D में मिलने वाली है कुछ इस तरीके की एंड मैट फिनिशिंग के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको टैंक पैड मिल जाता है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। यहाँ पे आपको E20 का बैज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो लेग गार्ड देखने को मिलता है ये आपको एक्सेसरीज के तौर पर इस बाइक के अंदर लगवाना पड़ता है। इसकी कीमत लगभग आपको 4,000 से 4,500 रुपए देखने को मिल जाती है। अब बात लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इंजन के ऊपर आपको रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस बाइक के अंदर आपको 350cc का एयर ऑयल कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है जो 20.21 BHP की पावर जनरेट करता है, 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5-speed गियरबॉक्स के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इस बाइक के माइलेज की बात करूं तो बाइक आपको 35 से 40 का माइलेज इजीली निकाल कर देती है। इस बाइक के अंदर आपको किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के। तो यहाँ पर आपको क्लासिक 350 की ब्रांडिंग मिलती है स्टिकर के फॉर्म में। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूँ तो 800mm की सीट हाइट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है। ड्यूअल सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको लेदर के कवर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के रियर सस्पेंशन की। तो इसके रियर में आपको ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर विद 6-स्टेप एडजस्टर प्रीलोडेड सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसके रियर में आपको बाइब्री के कैलिबर मिलते हैं। 270mm की डिस्क आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। इसके रियर में टायर सेक्शन की बात करूँ तो इसके रियर में आपको 120/80/18 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक की रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल में आपको इस बाइक के अंदर सिंगल पीस ग्रेवरल देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के। नीचे की तरफ को रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है स्टिकर के फॉर्म में। गोल्ड सी हेलोजन टेल लाइट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। दूसरी तरफ आपको इस बाइक के अंदर लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको आधा एनालॉग आधा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जिसके ऊपर आपको क्रोम का वर्क मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीड लिमिट मिल जाती है, लो बैटरी वार्निंग, ABS लाइट, चेक इंजन लाइट के फीचर्स मिल जाते हैं। साइड में आपको RE की ब्रांडिंग मिल जाती है 3D क्रोम में कुछ इस तरीके की। यहाँ पे आपको लो फील वार्निंग आई बटन मिल जाता है जिससे आप इस बाइक के डिजिटल क्लॉक, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ऑडोमीटर को एडजस्ट कर सकते हो। सिंगल हॉर्न के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो 120 km/h की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है। एक बार मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नॉइज़ सुना देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट नॉट आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाता है। तो ये था इस बाइक का स्मॉल सा रिव्यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे।